हेलो, तो कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में जिक्र करेंगे राम सच पर। तो हाल में ही हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है कि दो भर्ती दसवीं बेस्ट थी, अब वो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा बेस्ट पे होंगी। तो क्या है इस भर्ती में पूरी प्रक्रिया, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है पूरी प्रक्रिया। दोस्तों मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन की कटिंग ये रही हमारी। प्रदेश में अब ग्रेजुएट ही बनेंगे ग्राम सचिव, पंचायती राज का डिप्लोमा, आईटीआई ज्ञान भी ज़रूरी। हरियाणा राजधानी हरियाणा, प्रदेश में ग्राम सचिव की भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक कर दी गई है। अब तक यह दसवीं पास थी। इस पद के लिए आवेदकों के पास पंचायती राज के डिप्लोमे के साथ आईटीआई का भी ज्ञान होना चाहिए। यह निर्णय शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया है। अब ग्राम सचिव के पदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वर्तमान में लगभग 2200 ग्राम सचिव के पद हैं और हरियाणा में 6000 से अधिक ग्राम पंचायत हैं। इसलिए प्रत्येक बड़ी पंचायत पर एक ग्राम सचिव व दो छोटी पंचायत पर एक ग्राम सचिव होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम रोज़ अगर करंट अफेयर के मात्र 10 क्वेश्चन करें तो हमें आने वाले एग्जामों में काफ़ी सहायता होगी। अगर दोस्तों आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हाँ दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो दोस्तों। थैंक यू अपनी वीडियो यहाँ से। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।